आप देख रहे हैं TNB। भारत के अनुभवी विकेटकीपर रुद्धिमान सहा ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है तो कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू क्रिकेट एक अच्छे खिलाड़ी बनने का आधार है और हर किसी को सफल होने के लिए इसे पर्याप्त महत्व देना चाहिए। सहा की यह प्रतिक्रिया ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को 2023-24 सत्र के लिए BCCI की वार्षिक केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर किए जाने के बाद सामने आई है। BCCI ने एक बयान में कहा था कि दोनों क्रिकेटरों को लेकर वार्षिक अनुबंध के लिए विचार नहीं किया गया था। इस पर सहा ने कहा, यह BCCI का फैसला है और संबंधित खिलाड़ियों का निजी फैसला है। जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते या किसी को खेलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये दोनों कुछ समय पहले तक भारतीय टीम का हिस्सा थे। दोनों पिछले साल वनडे विश्व कप भी खेलते थे। किशन पिछली बार दिसंबर में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान टेस्ट टीम का हिस्सा थे, जबकि अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले 2 टेस्ट खेले हैं। सहा ने कहा कि क्रिकेटर को एक मिसाल पेश करते हुए हर मैच को समान महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी मैं फिट होता हूं तो हर तरह के मैच खेलता हूं, यहां तक कि मैं क्लब मैच, ऑफिस मैच भी खेलता हूं। मैं हमेशा घरेलू मैच को भी एक बड़े मैच की तरह लेता हूं। मेरे लिए सभी मुकाबले बराबर हैं। अगर हर खिलाड़ी इस तरह से सोचता है तो वो केवल अपने करियर में निखार लाता है और यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि घरेलू क्रिकेट की अहमियत हमेशा रही है, क्योंकि अगर मैं सरफराज खान की बात करूं तो उन्होंने पिछले 4-5 साल में काफी रन बनाए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया है। सहा ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी को शानदार करा दिया। जुरेल ने तीसरे टेस्ट में टेस्ट डेब्यू पर 46 रन बनाए और इसके बाद रांची में चौथे टेस्ट में 90 और 39 नाबाद के स्कोर के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने। सहा ने कहा कि मैंने उन्हें घरेलू क्रिकेट में कभी नहीं देखा और इन टेस्ट मैचों में मैंने उन्हें खेलते देखा है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शानदार है। उन्होंने टीम के लिए आखिरी टेस्ट जीता। सहा को यह भी लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इसकी बेंच स्ट्रेंथ एक बार फिर घरेलू सर्किट के महत्व को दिखाती है। उन्होंने कहा, यह देखना हमेशा अच्छा होता है कि जब भी किसी को मौका मिलता है तो आपकी रिजर्व बेंच तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है लेकिन वे खेलना नहीं चाहते, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। जब भी आपको खेलने का मौका मिलता है तो आपको खेलना चाहिए, चाहे वो लाल गेंद हो या सफेद गेंद। सहा ने 40 टेस्ट खेले और 1353 रन बनाए। वह विकेट के पीछे 104 आउट शिकार किए, जिन्हें 92 कैच और 12 स्टंपिंग शामिल है। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें।